ଟେଲିଭିଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ଅଛି। ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋଦିଙ୍କ ମାସ୍କଠାରୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିକି ଢୋଲ ନଗାଡ଼ା ବାଣ ଆତସବାଜି ମିଠା ସବୁ ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆହୁରି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଇଏ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ହୁଏତ ବଢ଼ିପାରେ। ଇଏ ଯେଉଁ ରୁଝାନ ଅଭି ଆ ରହା ଇଏ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ ବଢ଼େଗା ୟା ଏସୀ ମେ ହି ରହେଗା? କଂଗ୍ରେସ ବୋଲା ଇଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହୋ ଜାଏଗା, ଆପକା ସେଲିବ୍ରେସନ ଫିକା ପଡ଼େଗା। 130 प्लस जाने वाली है, शुरुआत में बढ़ते है तो बढ़ती चली जाएगी। यहाँ कांग्रेस बिल्कुल मात खा रही है। कांग्रेस का मुद्दा, कांग्रेस किन किन मुद्दों पे आ रही है? ओपीएस इसका बरगला रही थी जनता को, उसमें ये फेल हो गई है। ओपीएस के बाद ये जातियों में जहर घोलने का जो कार्ड चला रही थी वो इसका फुस हो गया। तीसरा इसका, इसने जो सरगनाओं को, माफियाओं को रीट घोटाले में जो बेरोजगारों को, युवाओं को बेरोजगार किया, 19 पेपर लीक किए हैं इसने और सरेंडर दिया है माफियाओं को, इसमें ये फैल हो गई है। और इस ये सब तरीका से फैल होकर 130 प्लस भाजपा प्रचंड जीत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा राजस्थान में सरकार बना रही है और सब तरीका से कांग्रेस 60 और 65 पे जाके ढेर हो जाएगी। और जो भीड़ है और बढ़ सकता है? बिल्कुल भीड़ बढ़ेगी। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को बन रहा है। कार्यकर्ता इतने, जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और अपना जब मेहनत करते हैं और उसका परिणाम आता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। ये जैसे शुरुआत ट्रेंड है, कांग्रेस का कहना है कि ये शुरुआत ट्रेंड है, ये ट्रेंड चेंज हो जाएगी। ये शुरुआती ट्रेंड नहीं है। जिस सरकार ने महिलाओं पे दुराचार किए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं हो, युवाओं के साथ चीटिंग की हो और युवाओं ने वोट नहीं दिए, सरकारी कर्मचारी, आप बैलेट पेपर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, बैलेट पेपर खुले तो भारतीय जनता पार्टी बढ़त बढ़ा रही थी। इसका मतलब सरकारी कर्मचारियों को जिस तरह का लोभ और लालच ओपीएस के माध्यम से देने की कोशिश की वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस इलेक्शन में जो सेलिब्रेशन में काफी महिलाएं शामिल हुए हैं, महिलाओं का सीट 33% आरक्षण बिल भी पार्लियामेंट में आया था, महिलाओं को ज्यादा अपेक्षा थी इलेक्शन में, आप शामिल हुए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमें तो यानी कि पूरा भरोसा था कि हम ही जीतेंगे और हम यही चाहते हैं कि अब यानी कि बीजेपी आके हमारी सुरक्षा के लिए कुछ करे, वो करेंगे, हमें विश्वास है। ट्रेंड में कुछ चेंज नहीं हो, जो ट्रेंड चल रहा है इसमें चेंजेस, क्या बोलना चाहेंगे मैम, कैसे खुशी मना रहे आप? हमने जिस दिन वोटिंग की थी ना उसी दिन टाल लिया था, इस बार कांग्रेस सरकार को राजस्थान मुक्त बनाएंगे, सपरा साफ कर देंगे, जो शांति बाल को जवाब देंगे। ये मर्दों का देश नहीं है राजस्थान, ये महिलाओं का देश है। उसने कहा था ना मर्दों का देश, क्योंकि यहाँ महिलाएं पूजी जाती है, वो इटली की तितली क्या जाने महिलाओं का क्या सम्मान होता है। नारी है, हम भारत की नारी है, हम भारत की नारी है, जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।